आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सीबीआई रेड से गरमाई दिल्ली की सियासत, अब डीडीसीए के बहाने वित्त मंत्री अरुण जेटली तक पहुंच गई है। आज केजरीवाल सरकार इस मामले में जांच का नया दांव चल सकती है। जाहिर है निगाहें डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर होंगी, लेकिन निशाने पर होंगे 14 साल तक डीडीसीए के चीफ रहे अरुण जेटली। डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी। जब तक वित्त मंत्री जी अपने पद पे बने रहेंगे, इस पूरे डीडीसीए के मामले के भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। आई कांट आंसर अ वेग एलिगेशन विदाउट एनी बेसिस। अरुण जेटली जी को मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण जी का इस्तीफा मांगना जो सब सही है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की जंग अब स्टेडियम से बाहर निकल आई। 22 गज की पिच की जगह अब सियासी अखाड़े ने ले ली है। बयानों की शक्ल में दनादन चौके छक्के लग रहे हैं, बाउंसर पर बाउंसर डाले जा रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने कल शाम सियासी पिच पर खूब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। हाथ में दस्तावेज लहराते हुए उन्होंने सीधे सीधे देश के वित्त मंत्री की ओर बाउंसर दे मारा। लगे हाथ संजय सिंह ये टीजर भी छोड़ गए कि आगे आगे देखिए उनकी गेंदबाजी में कितना दम है। खेल मंत्रालय ने 27 जुलाई को 2015 को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है, ये उस चिट्ठी की काफी है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया और कहा गया है कि डीडीसीए के भ्रष्टाचार की आप जांच कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही इसको प्रोब करे, और जब तक ये प्रोब पूरा ना हो जाए अरुण जेटली जी को मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। विवाद गहराता देख सरकार ने भी कमर कस ली। जेटली ने आरोप को ही बेहद हल्का करार दिया तो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद की कार्यवाही न चलने देने का बहाना बता दिया। आई कांट आंसर अ वेग एलिगेशन विदाउट एनी बेसिस। सेकेंडली, अ स्टेट गवर्नमेंट एंड अ पार्टी विच इज इन द डॉक फॉर हैविंग सपोर्टेड करप्शन एंड हैविंग इंटरफियर्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैनर can't really deflect the issue without any basis. They are trying to manufacture some issue or other, some excuse or other to stall the parliament. They are doing immense harm to the country and harm to themselves. कल देर शाम जेटली के बचाव में खुद डीडीसीए ने भी मोर्चा संभाल लिया। कार्यकारी अध्यक्ष चेतन चौहान से लेकर कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा तक सब मीडिया के सामने मुखातिब हुए और जेटली के पक्ष में आंकड़ों की झड़ी लगाने लगे। गबन का आरोप की बात कर रहा हूं मैं, वो भी अरुण जेटली जी के बात का है। वो भी जो आरोप है वो भी अरुण जेटली दिसंबर 2013 में चले गए थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, उसके बाद का ही वो आरोप है। एक एलिगेशन है मिस अप्रोप्रिएशन, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और क्योंकि वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एलिगेशन विच आर बींग लेवल टूडे अगेंस्ट अवर पास अर्लियर प्रेजेंट, इट हैज नो बेसिस। व्हाट आर द एलिगेशंस? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई रेड से सियासी तूफान खड़ा हुआ। केजरीवाल ने इसे सीधे सीधे डीडीसीए की फाइल और जेटली से जोड़ दिया। उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि रेड केंद्र के इशारे पर डलवाई गई, जिसका मकसद डीडीसीए की फाइल और दस्तावेज जब्त करना था। डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी। आई कांट आंसर अ वेग एलिगेशन विदाउट एनी बेसिस। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
केजरीवाल की नजर पर डीडीसीए पहले ही चढ़ गई थी, यही वजह है कि महीने भर पहले उन्होंने डीडीसीए पर जांच भी बिठाई और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही सीबीआई उनके प्रधान सचिव तक पहुंची, केजरीवाल की जुबान पर डीडीसीए की जगह जेटली का नाम आ गया। बदले की कार्रवाई की जा रही है, मोदी जी को यह गलती भारी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल वित्त मंत्री जी अपने पद का हो जाए अरुण जेटली जी को अरुण जी का इस्तीफा मांगना है। बदलते मौसम में दिल्ली का सियासी पारा इसी सीबीआई रेड से चढ़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आपे से बाहर हो गए। उन्होंने इसे सीएम दफ्तर पर छापा बताते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। लेकिन शाम होते होते पूरा मामला ही ट्विस्ट हो गया। केजरीवाल सरकार ने इसे डीडीसीए घोटाले से जोड़कर हमले का रुख जेटली की ओर मोड़ दिया। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? कल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं, जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। वहां डीडीसीए की फाइलें थी, जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड डाली गई है। टकराव बढ़ता जा रहा था, इसके साथ ही सवालों की फेहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर भी अलग अलग दावे होने लगे। काम थी कल केंद्र में बैठी हुई रूलिंग पार्टी की और आज फिर रूलिंग पार्टी की है, और वो केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है, और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। जैसे जैसे विवाद गहराया, केजरीवाल के पक्ष में सियासी समर्थन आने लगे। यहाँ तक कि सीबीआई को लेकर सरकार के साथी भी अलग सुर पकड़ लिए। चौतरफा हमले के बीच सीबीआई को भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बयान से राहत मिली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि करीब 6 महीने पहले ही केजरीवाल सरकार को राजेंद्र कुमार को लेकर चिट्ठी भेजी थी। राजेंद्र कुमार जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके बारे में आई से अधिक संपत्ति रखने का और बेनामी ट्रांजेक्शन्स करने का, बहुत सारी कंपनीज बनाने के एलिगेशंस थे। तो हमने उस लेटर को मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब केजरीवाल को राजेंद्र कुमार के बारे में पता था तो फिर उन्होंने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर सच क्या है? उनके इस आरोप में कितना दम है कि सीबीआई के निशाने पर डीडीसीए की फाइल थी? इसी बीच कल दूसरे दिन केजरीवाल के चहेते अवसर पर सीबीआई का शिकंजा और कस गया। दूसरे दिन सीबीआई ने करीब 7 घंटों तक पूछताछ की। कई राज उन सामानों से भी सामने आएंगे जो राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर से जब्त किए गए। आज तक को आरोपी अफसर के यहाँ से जब्त सामानों की पूरी फहरिस्त का पता चला है। जरा उस लिस्ट पर गौर कीजिएगा। एक लैपटॉप, एक आईपैड, 4 पेनड्राइव, 5 सीडी, एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, विदेशी शराब की 17 बोतलें, बैंक लॉकर की चाबी, 4,320 अमेरिकी डॉलर, 233 यूरो ड� 390 फिलीपींस करेंसी, 1700 कंबोडियन करेंसी, ग्रेटर नोएडा में जायदाद के कागजात, बैंक अकाउंट का ब्यौरा। जाहिर है राजेंद्र कुमार पर रेड विवाद एक ऐसे मोड़ पर है जहां सीबीआई सबूत जुटाने में जुटी है कि राजेंद्र कुमार भ्रष्ट थे, जबकि केजरीवाल सरकार सीबीआई की गलत मंशा को साबित करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली,
आज तक। डीडीसीए पर पहले से ही सवाल उठते रहे, लेकिन केजरीवाल सरकार इस पर हरकत में आई जब गौतम गंभीर और बेदी ने कच्चा चिट्ठा का पिटारा लेकर उनके पास पहुंचे। क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री और क्या आप नेता, हर कोई एक ही सुर में आरोप लगा रहा था कि सीबीआई के निशाने पर प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार नहीं थे, बल्कि नजर डीडीसीए की फाइल पर थी। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं, जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, वहां डीडीसीए की फाइलें थी। जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड। आखिर क्या है ये डीडीसीए की फाइल? अगर अपनी याददाश्त को महीने भर पीछे ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि टीम इंडिया के क्रिकेटर गौतम गंभीर और बिशन सिंह बेदी मुख्यमंत्री केजरीवाल के दर पर डीडीसीए की शिकायत लेकर पहुंचे थे। केजरीवाल ने शिकायत पर बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की और एक जांच कमेटी बिठा दी। समिति में प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस चेतन सांघी, खेल सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव और दिल्ली उच्च न्यायालय के सीनियर स्टैंडिंग काउंसलर राहुल मेहरा को शामिल किया गया। समिति ने झटपट अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 12 नवंबर को समिति बनी और 5 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो समिति बनाई थी, उसने डीडीसीए के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा। डीडीसीए में पेशेवर क्रिकेटरों की नियुक्ति के लिए कहा, प्रशासनिक ढांचे को सूचना के अधिकार के तहत लाने को कहा और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोग के गठन की बात कही। यानी समिति ने माना कि वित्तीय गड़बड़ियां हुई है। दरअसल अरुण जेटली 1999 से 2013 तक 14 साल डीडीसीए के अध्यक्ष थे, इसलिए घेरे में वो भी आ गए। और तो और, बीजेपी के ही सांसद कीर्ति आजाद ने 2 जून 2015 को जेटली को लिखी अपनी चिट्ठी में डीडीसीए से जुड़ी गड़बड़ियों का लंबा कच्चा चिट्ठा लिख डाला था। 2008 से 2013 तक को नोटिस किसने दिया है डीडीसीए को? सीबीआई ने दिया है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेटली जी अध्यक्ष थे। उस समय हम चिट्ठी उनको लिखते रहे हैं। अब वो सीबीआई जाने, उनको करनी कि नहीं करनी, मैं क्या करूं? दिल्ली सरकार अब इसी मामले को आगे बढ़ाने में जुटी है। संभव है जांच का आदेश भी दे दिया जाए। कल ही आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय की चिट्ठी दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि डीडीसीए की जांच करने का उसे पूरा हक है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater, jackets, and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, you know, because they have their own design.